लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बड़ी खबर, अपनी पार्टी छोड़ अचानक राजस्थान कांग्रेस में शामिल हुई ये दिग्गज महिला जयपुर। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां परवान पर चढ़ने लगी हैं। नेताओं का दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस खेमे में जमींदारा पार्टी की विधायक सोना बावरी शामिल होगी। सोना देवी गंगानगर जिले के रायसर नगर से विधायक हैं। जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जमींदारा पार्टी की विधायक सोना देवी बावरी के कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। पायलट ने सोना देवी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर पायलट ने कहा, सोना देवी बावरी के कांग्रेस में शामिल होने से हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सोना देवी ने बताया कि वे बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुई हैं। सोना देवी के कांग्रेस का हाथ थामने के साथ ही जमींदारा पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर महज एक रह गई है। गौरतलब है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जमींदारा पार्टी के दो विधायक चुने गए थे, श्री गंगानगर से कामिनी जिंदल और रायसिंह नगर से सोना देवी बावरी। इनमें से एक विधायक सोना देवी कांग्रेस में शामिल हो गई है। अब जमींदारा पार्टी की सिर्फ एक विधायक कामिनी जिंदल ही रह गई है। सुनवाई नहीं होने पर जताई थी नाराजगी। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार की ओर से सुनवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। SC/ST आरक्षण को लेकर मच्चे बवाल के बीच सोना देवी ने आरोप लगाया था कि उनके दलित होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी विधायक कोष की राशि उसे खर्च नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं होती है। विधायक सोना देवी बावरी ने ये बात श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशासनिक अधिकारी जहां चाहे वहां मेरे हस्ताक्षर करवा लेते हैं, उनके सुझाव को प्राथमिकता न देने के साथ कार्यों में भी रोक टोक की जाती है।